हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कराऊंगा बहुत शॉर्ट लेक्चर में। ध्यान से देखिएगा, इसके असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। क्लियर, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहला आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। क्या पानी के अंदर एल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है? सबने मूवीज में देखा है, दारू बनती है, पानी है, एल्कोहल मिलाया जाता है, तो सबको पता है कि जब पानी के अंदर शराब मिलाया जाता है तो उसमें कोई लेयर फॉर्म नहीं होता, वो बिल्कुल प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि अल्कोहल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब वो होते क्यों हैं वो देखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन किसके अंदर बेटा? वाटर। वाटर के अंदर ही क्यों देखते हैं? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? सबसे ज्यादा अर्थ पे वाटर ही तो है एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए मैं यहां पे ना 8 मॉलिक्यूल लूंगा। आपको पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर फ्लोरीन या हाइड्रोजन के बीच में, या फिर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर मैं लेता हूं पहला अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये इथेनॉल है, ओ मिथेनॉल है। दूसरा मैंने लिया किसका? वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसा लूंगा अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर। ठीक है ना, ये क्या है? अल्कोहल वाटर, दूसरा ये अल्कोहल, फिर क्या लूंगा बेटा? वाटर। क्लियर है, ओके। अब नीचे फिर से ऑल्टरनेट कर दूंगा, यहां अल्कोहल है तो नीचे वाटर ले लूंगा, वाटर, यहां वाटर है तो यहां पर अल्कोहल, यहां पे वाटर। ठीक है बेटा, ओके। देखिए अब हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अटैच है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, कौन सा? पार्शियल नेगेटिव। यहां क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे अगर पार्शियल ये हो गया, अब इसके और इसके बीच में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पे एक और पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है, ओके। ये एच और ओ के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इसके इसके लिए एक और नेगेटिव और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से आप एच और सी एस थ्री पे पॉजिटिव लेंगे और ओ पे माइनस टू का पार्शियल नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दो साइड से वो इलेक्ट्रॉन को लेगा हर जगह पे। अब देखो जरा एच बॉन्ड की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एच बॉन्ड जो बनता है इसको याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ओ और एच के बीच में बनता है, F और H के बीच में बनता है, N और H के बीच में बनता है, मतलब H होना ही चाहिए और इन तीनों एलिमेंट के साथ ही बनेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, बस और किसी के साथ नहीं बनता। देखो यहाँ पे, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसका मतलब ये है कि वो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में ही होगा। अब यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो क्या एच और ओ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो ये डॉटेड बना रहा हूँ ना येल्लो वाला, ये आपका एच बॉन्ड होगा, हो सकता है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और O और H के बीच में H बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये है आपका CH3 का C और ये है O, तो C और O के बीच में H बॉन्ड हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा ना, C और H के बीच में कहाँ होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं होता, तो इसको ऐसे बना, डॉट वाले जो है ना वो हम बनाएंगे H बॉन्ड, ये वाले अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, लेकिन ये H बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है, ये बताओ H बॉन्ड होगा? H और हाँ अट्रैक्टिव भी दिख रहा है डॉटेड, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये नहीं, ठीक है, ये हाँ, ये नहीं, ठीक है। तो डॉटेड है वो आपके क्या बॉन्ड है? एच बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? एच बॉन्ड। और एच में भी दो तरीके के बॉन्ड होते हैं,
एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब कहने का है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहा है। जैसे ये वाला अल्कोहल का अलग मॉलिक्यूल है, ये वाटर का अलग है, ये अल्कोहल का अलग है, ये वाटर का अलग, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर। ये आपने 11th क्लास में चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक होगा, एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये जो बॉन्ड है इसे बोलेंगे हम क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई पूछे कि भाई अल्कोहल जो होता है पानी के अंदर सॉल्युबल होता है? हाँ भाई होता है। क्यों? क्योंकि उसके अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखिए इसको कि अल्कोहल्स आर हाईली स्टार्ट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर मॉली, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एच बॉन्ड होता है वो आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर दूसरा वाला देखिए बेटा, दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, करें तो देखिए सेकंड है इसके अंदर आपका, ठीक है, कहता है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैंने आपको हेलो एल्केन पढ़ाया होगा तो हेलो एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाई थी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो वहां पे आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट के कुछ फैक्टर्स बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन बाय, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट की स्टेटमेंट सबको पता है, किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वो लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉइल करना स्टार्ट कर दे, उसी को उस टाइम क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, पॉइंट्स लिखवा देता हूं, पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखिएगा, फिर से लिख देते हैं, हर उसमें लिखेंगे जहां जहां बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते रहेंगे तो वो टॉपिक लिखते रहेंगे। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम जनरली यहां पे लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है वो एच बॉन्ड होती है। ठीक है ना, एच बॉन्ड, और एच बॉन्ड आपको पता है कौन करता है, एच ओ के साथ, एच एफ के साथ, एच एन के साथ, बस। ठीक है ना, ओके, तो यहां पर डाल दीजिएगा पॉइंट टू रिमेंबर। पहला क्या है भाई इसका, BP is directly proportional to the force of attraction. और force of attraction में कौन सा, H bond होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है ना, ठीक है, दूसरा BP directly to molar mass, molar mass, BP directly to surface area. ठीक है, surface area, BP is inversely to the one by branching of C chain. ठीक है, branching of C chain, carbon chain. क्लियर बेटा, तो इसको तो याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, इसमें आपको अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their BP. ठीक है, तो A B C, इसको बना देता हूं CH3OH, इसको बना देता हूं CH3CH2CH2
ये इसको बना देता हूं CH3 CH2, ओ सॉरी ये, ठीक है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा देखेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्या तीनों अल्कोहल है? हाँ या ना? तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला यूज ही नहीं होगा क्योंकि तीनों एच बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो और इंक्रीजिंग लगाना है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इधर वाला कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, क्लियर है। तो सबसे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो फंडा ही गया, सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका मास ज्यादा हो। किसका मास ज्यादा है भाई? इसका और इसका मास सेम है, तीन कार्बन एक OH, तीन कार्बन एक OH। तो इन दोनों में अभी पहचानने में दे दी है, तो सबसे कम किसका होगा? A का, तो इसका मोलर मास कम है, ठीक है। अब B और C में देखो, B और C में H बॉन्ड का फंडा नहीं लग रहा और मोलर मास का नहीं लग रहा। H बॉन्ड का इसलिए लग रहा क्योंकि दोनों में OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, और मोलर मास का इसलिए लग रहा कि दोनों का मोलर मास सेम है। तो तीसरा फंडा इज आपका सरफेस एरिया। अब बताओ इसके में कितने कार्बन की लंबी चेन है? चार की, दिख रहा है? एक दो तीन चार, कार्बन की नहीं बोल रहा, एटम्स की, एक की दो की तीन की चार की। इसमें एक दो तीन, या फिर एक दो तीन, या फिर एक दो तीन, तीन की है ना। सरफेस एरिया किसका बड़ा है? तो बी का ज्यादा होगा, उससे कम होगा सी का, क्लियर है बेटा, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आप लोगों को, क्लियर बेटा। देखिए क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ देयर बीपी, ऑफ देयर बीपी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ए और ये बी बना रहा हूं, ठीक है। इसमें वन, यहां इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना दे दूंगा आपको। और ये है आपका इसके अंदर वन, ठीक है, इसका बनाता हूं पहले। ये हो गया आपका CH3 CH2 CH3, ये हो गया आपका CH3 CH2 OH, ये हो गया आपका CH3 CHO, ये हो गया आपका CH3 and CH2 CH2 OH, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है, दूसरा CH3, ये वन हो गया, ये टू है, ठीक है ना, टू है, ये कौन सा है? थ्री है, ये कौन सा है? फोर है, ठीक है ना। इसमें CH3 CH2 OH है, फिर दूसरा है CH3 CH2 CH2 OH, फिर तीसरा है CH3 CH2 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 OH, ठीक है। ये सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं। तो देखिए ऊपर वाला मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाले में आपको दिख रहा है कि पहले वाले में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो एल्केन है, दूसरा वाला अल्कोहल है, तीसरा वाला आपका है एल्डिहाइड, चौथा वाला है आपका अगेन अल्कोहल, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अल्कोहल ही फॉर्म करता है, एल्केन तो करता ही नहीं है और एल्डिहाइड भी नहीं करता, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, और उसके बाद ये खत्म क्वेश्चन होने के बाद फोर्सेस के नाम लिख दूंगा, किस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फोर्स होता है और कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, कौन सा फोर्स कम होता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के असेंडिंग डिसेंडिंग आ गए तो उसमें आप फोर्सेस के बिहाफ पे कर लोगे, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे एल्केन है तो याद रखिएगा वीक वैंडर वाल फोर्स होता है, कौन सा होता है? वीक वैंडर, जो कि वीक होता है, वीक वैंडर वॉल, ठीक है। इसमें कौन सा होता है? एच बॉन्ड, इसमें एल्डिहाइड है तो इसमें होता है डाइपोल डाइपोल, क्या होता है? डाइपोल डाइपोल, और लास्ट वाले में क्या होगा? एच बॉन्ड अगेन, और एच बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे कम किसका और वीकर तो आपको दिख रहा है, वीकर कौन सा है? इंक्रीजिंग में लेना है ना, तो सबसे कम किसका होगा? वन। सबसे ज्यादा किसका होगा? इसमें और इसमें, दोनों में एच बॉन्ड है लेकिन किसका मास ज्यादा है? इसका, तो फोर सबसे ज्यादा है और उससे कम होगा सेकंड। फिर तो ये समझ आ गया, नहीं समझ आया? इजी है। इस वाले को आप लोग मुझे कर 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 दिखाओ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, ठीक है, वैसे इजी है, आप लोग कर देंगे मेरे ख्याल, ठीक है। चलो दीदी जी बताएंगी, बोलिए बेटा, इंक्रीजिंग में
सब अल्कोहल है पहले बताओ। ठीक है, तो अल्कोहल वाला फंडा गायब हो गया। फर्स्ट सबसे सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का सबसे कम। उसके बाद सेकंड। ये तो ऑर्डर में ही अरेंज है, ये तो ऑरेंज में ही अरेंज है ना। ठीक है, तो इसको नोट करने के ये कर लेना आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ किस फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फोर्स होता है, ठीक है ना, और उस तरीके से आपको याद रहेगा, पूरे ट्वेल्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी इसी में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा जी? COOH। जो फोर्स होता है इसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, लेकिन डाइमर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर दो ओ है ना, तो अंदर के ही उसके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर होता है, एच बॉन्ड ही होता है, डाइमराइजेशन वाला, डाइमराइजेशन ऑफ एच बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर है सबसे कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, अब इससे कम होता है आपका बोलो एल्कोहल, जो क्या होता है ओनली, हाँ ये है ओनली एच बॉन्ड, लिख देता हूँ एच बॉन्ड। ठीक है बेटा, और इससे कम होता है आपका अमाइंस, इसमें भी एच बॉन्ड है, ये है NH2 अमाइंस, इसमें भी क्या है एच बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन दोनों में किसका होता है? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है इसीलिए। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा कम होता है आपका एल्डिहाइड का, क्या होता है एल्डिहाइड का, ये होता है, इसमें कौन सा होता है? डाइपोल, 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 डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल। और इससे थोड़ा सा कम होता है कीटोन का, किसका? कीटोन का, ये होता है ऐसे, इसमें भी डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, और इससे थोड़ा सा कम होता है आर ओ आर, ईथर का, किसका? ईथर, इससे पढ़ोगे ना, इसमें आपका इंटेंसिव एच बॉन्ड होता है, इंटेंसिव मतलब कम एच बॉन्ड, एच बॉन्ड होगा वीकर, बहुत ज़्यादा एच बॉन्ड। ठीक है, अब इससे कम होता है आपका सी एस थ्री सी एल वाला, कौन सा होता है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। और इससे कम होता है आपका एल्केन, कौन सा होता है? और एल्केन में कौन सा है भाई? पढ़ा आपने वीक वैंडरवॉल फोर्स। तो ये ऑर्डर है आपके, समझ गए ना सब ज्यादा, इसका फिर इसका, सबके नाम भी लिख दिए हैं, पहचानना आता है ना, इसमें कौन सा होता है? वीक वैंडरवॉल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है पूरे अल्कोहल की। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।